मैं अपनी बैग को अब फ्लैट में ले आई हूँ। अब सबसे पहले मैंने ये करना है कि मैंने जो है इसके ये ट्रांसफ़र करने हैं जो पॉइंट्स मेरे बैग पे आए हैं ये वाले सारे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगी। यहाँ से देखें थोड़ा आगे पीछे है, ये वो वाली साइड है जहाँ पे हमारा कर्व बन रहा था। जैसे भी आ गए हैं अभी इनको मैं ट्रांसफ़र करूँगी। यहाँ पर नॉच भी है बाकी ऐसे ही, ठीक है। तो मैं इसको ट्रू करती हूँ सबसे पहले। ये लाइन सीधी हो गई और फिर मेरे पास आ गई मेरी ये वाली लाइन, देखिए थोड़ी सी आगे गई है। जैसे हो रहा है ना देखें थोड़ा थोड़ा, अभी हम इसे लेके जाएंगे, अगर ये हमें सही लगा तो हम फिर इसको कर लेंगे, नहीं तो हम इसे दोबारा ट्रू करेंगे। अभी मैंने इसको किया, मेरा नॉच ये आ रहा था, एक नॉच मेरा नॉच आ रहा था, ठीक है। अब मैं इस फ्रंट को भी इसी के साथ रखूंगी। अब आप देख सकते हैं मैंने अपनी बैग को अपनी फ्रंट के ऊपर पिन कर दिया नॉच तक। अब मैंने पता क्या करना है, अब मैंने अपना जैपनीज लेना है और जो मैंने सीधी लाइंस पे दोनों को अलाइन किया था मैं उसके ऊपर रख के बिल्कुल स्ट्रेट राइट एंगल मार्क करूँगी। ये देखें बिल्कुल सीधा, और ये देखें ऑटोमेटिकली मेरे दोनों जो मैंने अंडर आर्म पॉइंट्स किए थे उनको क्रॉस कर रहा है, उनको टच कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक अपने कर्व बनाने के लिए मैं यहाँ पर ना एक ये लाइन्स मार्क कर लूँगी। मैंने लाइन मार्क कर लिया, एक की मेरा फिनिशिंग पॉइंट ये है और दूसरे का ये है। अब मैं अपने मैनिकन पे जाऊँगी और उसका जो आर्म होल वहाँ पे मैंने बनाया हुआ है उसकी मैं ट्रेसिंग लूँगी और उसको यहाँ पे ट्रेस करूँगी। अब ये देखें मैंने अंडर आर्म पॉइंट को पिन किया हुआ था और मैंने इसको ना स्मूथ फ्लैट करते हुए किमोनो पे पिन कर दिया और इस साइड को भी मैंने फ्लैट करते हुए पिन कर दिया। अब ये किमोनो से थोड़ा ऊपर आ रहा था लेकिन इट डजेंट मैटर। अब मैं इसको करने लगी हूँ ट्रेस। ट्रेसिंग के लिए मैं अपना ट्रेसिंग पेपर लूँगी। सबसे पहले मैं अपना अंडर आर्म पॉइंट मार्क करूँगी और फिर जो मैंने नया कर्व फॉर्म किया था मैं उस कर्व को मार्क करूँगी टिल माय किमोनो पॉइंट। ये हो गया मेरा फ्रंट का और सेम इसी तरह मैं अपने बैक का कर्व भी ट्रेस करूँगी। शायद आपको इस साइड से नज़र ना आए लेकिन मेथड दोनों का बिल्कुल सेम है। ये देखें ये मेरा बैक का कर्व हो गया, अंडर आर्म पॉइंट, फ्रंट का कर्व, बैक का कर्व। ये देखें अब जो मैंने कर्व लिया था अब मैं उसको अपना ये जो किमोनो पॉइंट था यहाँ से लेके जो मैंने अंडर आर्म की लाइन लगाई है उसके ऊपर फॉलो कराऊंगी। तो ये मेरा फ्रंट का कर्व था, ये मेरा अंडर आर्म पॉइंट था, तो मैं ये मैंने अंडर आर्म पॉइंट पे रखा और ये मेरा कर्व है। अब मैं इसके साथ इसको ज्वाइन करूँगी जहाँ पर भी हो गया, बेशक मेरी लाइन थोड़ी ऊपर चली जाए या इस लाइन पर कहीं भी फॉल कर जाए, ठीक है। ये देखिए मेरा ऑटोमेटिकली ना लाइन पे ही आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब मैं इसको ट्रेस करने लगी हूँ। तो मैंने ट्रेस कर लिया है इसको, अब ट्रू कर लिया। डन।
अब उसी तरह ये मेरी दांत की ये अंडर आर्म पॉइंट है, मैं अंडर आर्म पॉइंट पे रखूँगी और किमोनो पॉइंट को किमोनो पॉइंट पे रखूँगी। तो देखिए ये मेरा यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली, अच्छा ये देखिए मैंने अब इस लाइन पे फॉल कराना है। अब जब मैं इस लाइन पे फॉल कराती हूँ तो मेरी थोड़ी सी मेजरमेंट माइनस हो रही है, देखिए आप बिल्कुल थोड़ी सी, तो मैं जितनी माइनस हो रही है उसे माइनस होने दूँगी, मैं बाकी का टेस्ट कर लूँगी और जितनी माइनस हुई है ना मैं उसकी भी मार्किंग लूँगी। देखें आप, तो ये मेरी इतनी सी मेजरमेंट माइनस हुई है। तो अब मैं इसका भी कर्व ड्रॉ करने लगी हूँ। देखिए वन गो में बन गया आराम से। ठीक है जी, ये मैंने बना लिया अपने दोनों कर्व, फ्रंट का कर्व भी मेरा हो गया और बैक का भी। अब अगर हम अपने स्केच के अकॉर्डिंग अपने किमोनो स्लीव की लेंथ देखें तो वो तकरीबन बाइसेप से 7 to 8 डाउन जा रही है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, बहुत सिंपल तरीका है, मैं बेशक इस लाइन पर मैं 8 नीचे जाऊँगी, 8 डाउन, मार्क अ स्ट्रेट लाइन, गो 8 डाउन फ्रॉम योर बैक लाइक दिस and repeat the same for the front, go 8 down from your line like this, ठीक है। और अब मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट मार्क कर लूँगी। और एक और चीज़, अब देखें ये मेरा इतना चॉप हुआ था तो ये जितना चॉप हुआ है मेरा मैं उसको उस नए पॉइंट से ना स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी, ठीक है। ये मेरा बन गया स्लीव। अब मैं इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करती हूँ। अभी देखिए मैंने अलाउंसेस पे नहीं कट किया, अलाउंसेस पे मैं एंड पे कट कर दूँगी। ये जो अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ईज आ रही है इसको भी अभी मैं कट करने लगूँगी। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ईज है, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा, इसको भी कट कर लेंगे। अब ये देखें अभी हमारे पास, और यहाँ से देखें, देखें बाद अब मैंने क्या करना है, मैं इसको पिन करूंगी यहाँ से और मैं अपना नॉच देखूंगी कहाँ पे आ रहा है मेरा। तकरीबन 8 पे भी आप ये नॉच मार्क कर सकते हैं यहाँ से लेके। अच्छा सबसे पहले ना मैं नेक लाइन बना लेती हूँ। मैंने इसको 1 मिनट के लिए ओपन कर दिया और अब मैं अपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी जहाँ मेरी नेक लाइन बनेगी। अब हमारी फिटेड नेकलाइन है, कोई इतनी मतलब लूजिंग नहीं है उसमें, तो मैं सेंटर फ्रंट से 1 सेंटीमीटर डाउन से ले जाऊंगी। मैं अपने शोल्डर पॉइंट से 0.7 डाउन जाऊंगी, ये मेरा शोल्डर पॉइंट था, 0.5, 0.6, 0.7, ऑलमोस्ट 0.7, ठीक है। और मैं इसका जैसे राइट एंगल हम लेते हैं उसी तरह शोल्डर का राइट एंगल लूँगी। आई विल गो 0.5 फ्रॉम माई सेंटर बैक, और हमने इसमें कर्व बना दी थी। आई होप के व्यू नहीं हमारा ख़राब हुआ, नहीं हमारा व्यू नहीं डिस्टर्ब हुआ, थैंक यू।
अच्छा ठीक है, तो अब मैं इसको कर्व बना दूंगी यहाँ से, बिल्कुल फ्लैट सा कर्व हो जैसे हम पहले बनाते होते हैं। देखो राइट एंगल से भी थोड़ा सा टच हो जाए। ये बन गया, और उसी तरह बैक का कर्व जैसे हम बनाते हैं। ज़्यादा नहीं मैंने काट किया क्योंकि मैंने अभी एक दफ़ा लगा के देख लिया सारा। ठीक है, अच्छा आप ये देखिए, अब मैं जो मेरी नेकलाइन आई है नई वाली, मैं उससे 8 आगे जाऊंगी और मैं एक नॉच मार्क कर लूँगी। ये मेरा नॉच होगा जिसके इन बिटवीन मैं ईज को डिटरमाइन करूँगी। ठीक है, ऑलमोस्ट देखिए वहाँ पर ही आया, एक ये नॉच था मेरे पास और एक मेरे पास ये वाला नॉच था, ये वाला नॉच जो इधर आ रहा था। ठीक है, ये दो नॉच हैं हमारे पास। अब मैंने ये करना है कि मैंने इस नॉच इसको मेजर करना है कि मेरा ये वाला कितना आ रहा है। सबसे पहले मैं अपने इस पॉइंट को मेजर करूँगी, तो ये मेरा बन रहा है 14.5। और अगर अब मैं इसको मैं ये करूँगी, दिस इज कमिंग आउट टू बी 17.5। ठीक है, अब ये मेरा आ रहा है 17.5। अब इसमें कितना डिफरेंस हुआ, 14.5, 15.5, 16.5, 17, 3 सेंटीमीटर की ईज है, विच इज़ फाइन। तो मैं यहाँ लिख दूँगी 3 सेंटीमीटर की ईज है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से पिन करूँगी एक दफ़ा, एक आखिरी दफ़ा, और इसे मैं मैनिक्विन पे दोबारा लगा दूँगी।